हरे हे ओ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापान् सूरे जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ कालंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुच्छ चारु चूलिया कजल कालिया काइंच मालिया मणि मकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कलाकर जित सुंदर मुख मंडलिया हे महाप्रभु जगन्नाथ तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भग्नी वृंद आपण मानक समस्त महाप्रभु सिंह द्वार अरुण स्तंभ निकटरु पतित पावन सामनारु बड़ दांडरु प्रातः समय रे जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम रे सीधा प्रसारण रे निरवच्छिन्न भाव रे बिना विज्ञापन विरति रे पवित्र नीलाद्री महोदया अष्टमी भली तिथि रे महाप्रभुंकर आविर्भाव अवसर रे श्रीमंदिर निर्माण प्रतिष्ठार अवसर रे प्रातः समय रे कथा प्रवाह कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु सुंदर दिनटी आज बार मास रे 13 यात्रार त्रयोदश यात्रा जहाँ अंतिम यात्रा बोली कहा जाए बार मासर 13 यात्रा से यात्रार आज दिवस महाप्रभु पालन करुछंती। बार मासर 13 यात्रा रे नीलाद्री महोदय यात्रा बा नीलाद्री महोदया अष्टमी वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी निश्चित भाव आम जानवा नीलाद्री महोदया अष्टमी कौन किंतु ता पूर्व आसतु जाणिनवा आज संक्षिप्त पंजिका आपण माने पंजिका को अपेक्षा कर रही था आसतु जाणिनवा कौन रही आज शुभ बेला कौन रही आज राशि मानकर संक्षिप्त फलाफल निश्चित भाव आम जानव ना तेब आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि यही वैशाख शुक्ल अष्टमी को नीलाद्री महोदय अष्टमी कह जाए एवं जेहेतु आज बुधवार आज दिन की बुध महाग्रह जयंती भगवान जगन्नाथ आ बुद्ध परिपूरक आपण मैंने जानते केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे बुध महाग्रह आज आविर्भाव दिवस तेरे आज तारीख 15/5/2024 सूर्योदय 5:14:34 सूर्यास्त 6:11:14 मन रहा सूर्यास्त आउ थे कहीदे 6:11:14 आज जो मैंने यह धाम परित्याग करे मृत्युबरण करे से मानकर पुष्कर दोष ना आज पुष्कर दोष ना तेबे आज अष्टमीर एकोदिष्ट पार्वण श्राद्ध। दर्शक बंधु आज शरीर पक्ष रे उपकारक पाई कौन खाद्य आज निषेध सन्दु जानिबा आज नड़िया भक्षण निषेध विशेषकर अष्टमी तिथि रे नड़िया भक्षण निषेध थाए ता जदि भगवान श्रीकृष्ण को जन्माष्टमी होताए जदि गमा पूर्णमी एमते अनेक गुड़िया अष्टमी पूजा पार्वण रे आसी थाए से दिन नड़िया भक्षण विधेय तेबे आज शुभ बेला 7:37 सकाळ ठारु दिन 10:49 मध्यरे पुनः दिन 1:13 ठारु अपराह्न 4:25 मध्यरे एवं पुनः सूर्यास्त 6:11 ठारु रात्रि 10:13 मध्यरे एवं पुणि रात्रि 12:37 ठारु आपण माने पाइबे राति 2:13 पर्यंत। तबे ये तो थिला शुभ बेला एबे आसंतु जानिबा 12टी जाक राशि संक्षिप्त राशि फल राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि आज टिके आत्मगर्वी अनुभव करिवे मन भितर टिके आसी पारे
किंतु ता जदि परमार्थिक हुए बहु क्षेत्र रे उपकारक परमार्थिक कौन आत्मगर्वर आज संभावना अच्छी देखा दबो किंतु ताहा महाप्रभु को उद्देश्य रे समर्पण कर दिंतु मु महाप्रभु को खुआइले महाप्रभु खाइबे यह मध्य एक प्रकार गर्व आउ मोर ऐसा अच्छी मुसा तेसा ये भौतिक गर्व जदि आप मन भितर रखिए महाप्रभु खर्व करदे किंतु भाव जदि रखिए मु महाप्रभु को न खुआइले महाप्रभु उपास रहिबे वास्तव में कौन महाप्रभु को आपड़ जदि न खुआई महाप्रभु उपास रहिबे कि ता तो नुह किंतु ए भाव जेतेबेले आसी जीवो सेतेबेले मन भितर जो आत्मीयता आसी जीवो महाप्रभु प्रति ताकु सात्विक अहंकार कहा जाए महाप्रभु बहुत खुशी है तेबे वृष राशि आज टिके गति प्रतिरोधर सामना करिबाकु पड़ी पारे तथापि सफल निश्चित मिथुन राशि सुख सम्मान प्राप्ति हेबे कर्क राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने टिके आकुलित मनोभाव देखा दिबो एवं सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर श्रीचंद्र कन्या राशि आज जो यात्रा करने को इच्छा रखुथिबे हुए तो ता स्थगित हो पारे तुला राशि आय जोगर संभावना अच्छी बिछा राशि आज सत्संग को भारी आदर करिवे भागवत पठन बा सत्संग रे आज समय अतिवाहित करिवे धनु राशि आज व्यय जोगर संभावना अच्छी मकर राशि आज टिके मन भितर कौन सी कारण दुख आसीबो एवं अनुतप्त होबे कारण दुख शोकर जोग अछि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान को आज बंधु सुख प्राप्ति होबो एवं मीन राशि आज सब जानी सुनी केवल नीरव द्रष्टा रहिबे नीरव भाव अवलंबन करिबे तेबे दर्शक बंधु ये तो थिला बारटी जाक राशि संक्षिप्त राशिफल सहित आज संक्षिप्त पंजिका तेबे आसंतु जानिबा आज आविर्भाव होइथिले महाप्रभु पुणी कई कई मध्य कहती आज श्रीमंदिर प्रतिष्ठा तेरे जहाँ भी होना कहीं आज महाप्रभुंर आविर्भाव दिवस बार मस जात्रा सतैश उपजात्रा अड़तीस प्रमुख जात्रा शहे आठ पर्वपर्वाणी ये सबु भितर एक अनन्य जात्रा आपण मैंने देखिए त्रयोदश आप गोटे लोककथा अच्छे भाई बार मसे तेर जात्रा देखु थी ये बार मस जात्रा पुणी कौन आम मैंने सर्वप्रथमें बार मसरे द्वादश जात्रा जो मुख्य जात्रा आम पालन करे कहीं कई लोक कौन करते आम आसुचु बार मसरे तेर जात पालन करें गोटे सुंदर कथा महाप्रभु प्रावरण षष्ठी आद्य जात्रा जो मैंने महाप्रभु पालन करती से मैंने उद्यापन कर दिन में नीलाद्री महोदया अष्टमी किंतु जो मैंने स्नान पूर्णिमा ठारू बार मस तेर जात्रार व्रत पालन करती तेर जात्रा पालन करती से माने कौन करती ना स्नान जात्रा ठारू ना प्रथम कहली जो मैंने आद्य मास मार्गशीर आद्य मार्गशीर मास न्याय पालन करपन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि सेठारे से तेर जात्रा पूर्ण हुए किंतु जो माने स्नान पूर्णिमा रे आरंभ करी थांती कारण मंच स्नान रथ बरगति सायनम चायने द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावरंच पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक महोक्षस्य पुण्य तृतीया यही जो बार मस बार यात्रा कथा आसी अक्षय तृतीया पर्यंत बार यात्रा बा द्वादश यात्रा एवं तेर यात्रा कौ दिन ना नीलाद्री महोदय अष्टमी वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी प्रथम देखु महाप्रभु जदि आम आद्य जात्रा महाप्रभु कौन सी जात्रा को दुई थर पालन करती ना आप भल कथा देखिए कौन सी तिथि महाप्रभुंर दुई थर जात्रा ना कि पर्व नहीं नीलाद्री महोदय अष्टमी जगन्नाथ महाप्रभुंर आविर्भाव जात्रा कह जाए श्रीमंदिर प्रतिष्ठार यात्रा मध्य कहुए श्रीमंदिर ब्रह्मा श्रीमंदिर को प्रतिष्ठा करते आज भिन जी महाप्रभु को दर्शन करती कोटि जन्मर पातक पाप से क्षय होता है अंतरे वैकुंठ प्राप्ति होता है आज बुध महाग्रह जयंती होवर बुध महाग्रह आशीर्वाद होवर आज बुध महाग्रह स्वनक्षत्र दिवस होवर बोधिला रूप गुणे जेणु नामता बुद्ध हेतु आ महाप्रभु निजे रथे तु बामन दृष्टा महाप्रभु रथरे बुध ग्रह खर्व ग्रह नाटा ग्रह छोटिया ग्रह आ रथरे महाप्रभु छोटिया टी देखा जाए
तेणु महाप्रभु आउ बुद्ध नवग्रह तांको शरीर रे विद्यमान तेणुक जो माने स्नान यात्रा ठारु आरंभ करती से माने वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे उद्यापन करती बार मास रे तेर यात्रा सर्वप्रथमे आपण देखंतु मंच स्नान महाप्रभुंकर जन्म यात्रा स्नान यात्रा नीलाद्री महोदय अष्टमी रे नीलाद्री महोदय ग्रंथक अनुसार जहाँ कहा जाए जे आज महाप्रभुंकर दारुर आविर्भाव दिवस एवं जन्म यात्रा पालन हुए केबे ना महाप्रभुंकर स्नान यात्रा रोचक कथा महाप्रभु निजे सर्वप्रथमे तांकर आविर्भाव एवं आमे दर्शन पाइथिले महाप्रभुंकु कोउटी ना गुंडीचा मंदिर रे तेणु जन्म यात्रा जन्म वेदी ताकु कहा जाए महाप्रभुंकर जन्म वेदी गुंडीचा मंदिर गुंडीचा आमे सिना देखुचे गुंडीचा यात्रा बाहुडा यात्रा अर्थ श्रीमंदिर रु श्रीगुंडीचा मंदिर को महाप्रभु जाउचंती एहा होची गुंडीचा यात्रा एवं प्रत्यावर्तन यात्रा बा बाहुडा यात्रा बा गुंडीचा मंदिर रु महाप्रभु श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करते किंतु वास्तव रे यदि आपण देखिबे सर्वप्रथमे महाप्रभु समुद्र रे जेतेबेले दारू आसी लागिले तार निर्माण एवं दारू महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति दर्शन नृसिंह रूप से दर्शन ये सब कौठू ना महाप्रभु गुंडीचा मंदिर रे ही सर्वप्रथमे दर्शन देते तेणु ता ना जन्म बेदी ता ना गमा बेदी ता ना ब्रह्मा बेदी एवं ता ना आड़प मंडप ता ना आटप मंडप अनेक कथा आसी तेणु से होची जन्म बेदी बोली ताकु कहा जाए गुंडीचा मंदिर को महापर महाप्रभु गुंडीचा मंदिर रु आसिले कौटिकी ना श्रीमंदिर बा नीलकंदर बा नीलाद्री आज नीलाद्री महोदय अष्टमी आम आसवा नीलाद्री महोदय अष्टमी अष्टमी तिथि भगवान श्रीकृष्णकर अति परिपूरक नवमी तिथि महाप्रभु श्रीरामंकर नाम उद्दिष्ट एवं माँ दुर्गा नाम उद्दिष्ट तेरे गोटे कथा आसती पूर्णमी ठार चतुर्दशी पर्यंत महाप्रभु कौन सी तिथि के मध्य बाद देना आश्चर्य ना आश्चर्य लगे आपण देखु जोटी पूर्णमी आरंभ महाप्रभुंकर यात्रा चतुर्दशी पर्यंत पूर्णमी जन्म यात्रा चतुर्दशी कौन ना दमनक चतुर्दशी महाप्रभुंकर दमनक चतुर्दशी जहाँ त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमी तीन दिन धरिकी चली था महाप्रभुंकर जहाँ आप चैत्र शुक्ल चतुर्दशी जहाँ को आपण देखुले महाप्रभुंकर पुणी एटी गोटी कथा आसी मंच स्नान ज्येष्ठ मास पूर्णमी दिन महाप्रभु स्नान कले मंच स्नान रथवर पुणी श्रीगुंडीचा आषाढ़ मासरे श्रीगुंडीचा यात्रा रे महाप्रभु गले किंतु गोटे कथा श्रीगुंडीचा बाहुडा ये दुईटी जाक बाहुडा यात्रा मध्य श्रीगुंडीचा यात्रा अंतर्भुक्त गुंडीचा यात्रा परे बाहुडा यात्रा गला एवं तापरे परे कौन ना चायनम शयन द्वे शयन अर्थ अयन शयन एटी महाप्रभुंकर शयन एकादशी अर्थात आषाढ़ मास शुक्लपक्ष एकादशी हरिशयन एकादशी ये गोटे यात्रा के तीन तापर दुईटी अयन गोटे दक्षिणायन गोटे उत्तरायण ये जो दक्षिणायन ताकि कर्कट संक्रांति कर्कट संक्रांति अर्थात आपण माने देखिबे दक्षिणा संक्रांति जहाँ को कहती दक्षिणायन ता महाप्रभुंकर गोटे यात्रा एवं उत्तरायण जहाँ मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण को गति करती ता गोटे यात्रा एतद व्यतीत प्राब माने पार्श्व परिवर पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति कौन ना महाप्रभु करले उठेबे महाप्रभुंकर करले उठा यात्रा जहाँ को पार्श्व परिवर्तन एकादशी बोली कहा जाए एकादशी रे आपण एपटे देखंतु पार्श्व परिवर्तन एकादशी यात्रा एवं अन्य पक्ष रे गोटे यात्रा पुणी महाप्रभुंकर आसे कौन हरिशयन एकादशी यात्रा महाप्रभुंकर ये दुईटी एकादशी रो महानता लाभ करिछि तेबे जेतेबेले पार्श्व परिवर्तन महाप्रभुंकला तापरे पुणी देव उत्थापन उत्थापन एकादशी मध्य गोटे यात्रा कौन से उत्थापन एकादशी ना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी रे महाप्रभु उठिके दंडायमान हेबे जेतेबेले उठिके दंडायमान हेबे तापरे परे आसी जाए कौन ना महाप्रभुंकर प्रापरण षष्ठी तेणुकरी आद्य यात्रा मार्गशीर मास को कहा जाए एथिपाई महाप्रभु विश्राम रे थिले शयन रे थिले उठिले तेणु प्रथम यात्रा प्रापरण षष्ठी को कहा जाए सेइथिपाई प्रापरण षष्ठी जेमती ओढ़ण षष्ठी घोड़ लागी षष्ठी मार्गशीर मास रे
शुक्ल पक्ष पालन कराए तापर पर कौन ना प्रावरंच पुष्य पूजा पुष्याभिषेक महाप्रभुकर पौष मस पौष पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा पौष पूर्णिमा चंदन पूर्णिमा महाप्रभु पूर्णिमा को लेकिन के पुंखानुपुख भाव में आप जड़ित देखते तेणु एटी जेतेबेले पौष पूर्णिमा रे महाप्रभु श्रीराम को कांड कोदंड धारण करते श्रीराम वेश को प्रतिपादित करती प्रावरंच पुष्य पूजा तापर आसी जाए कौन ना दोल जात्रा दोल पूर्णमी जहाँ दोल जात्रा दस दिन धरिकी चली थाए महाप्रभु दोल जात्रा गोटे पंचदोल दस दोल पंचदोल जात्रा दोल जात्रा रे दोल गोविंद को आपण माने मध्य दर्शन करिसंती दोल जात्रा परे परे पुणी कौन आसीगले ना दमनक जात्रा दमनक जात्रा कौन ना दयना चोरी दमनक चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी जहाँ दमनक चतुर्दशी आपण मैंने देखिले तापर पुणी कौन ना दयना चोरी पर दमनक चतुर्दशी पर वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि कौन ना अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया ठारु 42 दिन महाप्रभुंकर जो यात्रा से 42 दिन यात्रा भितर 21 दिन यात्रा नरेन्द्र पुष्करिणी को नरेन्द्र पुष्करिणी को यात्रा 21 दिन जहाँ ये यात्रा दुई भाग में विभक्त गोटे बही यात्रा गोटे अंत यात्रा 21 दिन चाप यात्रा को आम दर्शन करिपारिबा कोटी ना बाहर एवं 21 दिन अंत यात्रा भितर यात्रा जहाँकि चंदन मंडप महाप्रभुंकर जो मंडप रही से मंडप भितरे आपण देखिबे जल क्रीड़ा मंडप महाप्रभुंकर यात्रा भितरे तेणु 21 42 दिन ये जो 42 दिन भितरे वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया रे जेतेबेले महाप्रभु चंदन यात्रा को जाती ठीक तार मझीरे 4 दिन अवधि 5 दिन पर जो अष्टमी पड़े ता होची नीलाद्री महोदया अष्टमी अर्थात नीलाद्री महाप्रभु निजे नील नील पर्वत आपण कहे ये मंदिर प्रतिष्ठार कथा आसी नील नील कहले समुद्र अद्री कहले पर्वत गोटे कथा आसे नील समुद्र कूले कारण आपण कहे अद्री कहले तो जल अद्रीर अर्थ मध्य अन्य अर्थ में जल अनेक कथा अर्थ आसी कारण ये गोटे कथा महाप्रभु कहते नीलाद्री बिहारी आहे नीलाद्री बिहारी नीलाद्री कंदर हरी नीलाद्री केशरी केहू सरिकी नीलाद्री केशरी की जाठारे रही दिन जने दया जाठारे रही दुखी जने दया नख ठारु शिखा सरिकी दिन दुखी दरिद्र मानू महाप्रभु एभली दया करती नख ठारु शिखा पर्यंत कौन से स्थान बाकी रखी ना केहू सरिकी नीलाद्री पुणी महाप्रभु कौन ना नीलाद्री केशरी आउ गोटे अर्थरे नील कहले समुद्र समुद्र जल राशि नील अद्री कहले पर्वत ताहले एटी कौन ना महाप्रभु नीलाद्री कंद्र विजय करजय रथ जात्रा बावड़ा जात्रा प्रत्यावर्तन जात्रा परे नीलाद्री विजय आउ गोटे दर्शन रे नील अर्थ पर्वत नील सुंदर पर्वत बोली कहा जाए महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्री मंदिर ता हूँ नील कंदर नील सुंदर पर्वत महाप्रभु से रथ समय बड़ सुंदर कथा कहते जिते गुंडीचा जात्रा जाती कला सिंह कहीं रे श्री नील कंदर छाड़ी कला सिंह कहीं रे भाई भग्नि संगे घेनी नाना रंगे बसी छु गुंडीचा बाड़ी कला सिंह कहीं रे कथाटी आसी कौन ना नील कंदर अद्री कहले जलराशि समुद्रर जलराशि अर्थ कौन ना महाप्रभु सबु देवता माने नदी कूल रे लीला कला बेले महाप्रभु को लीला समुद्र कूल रे काहिंकि ना समस्त नदी प्रवाहित हो समुद्र रे ही मिसी थांती जेते बेले सर्व नदी समुद्र रे जाई मिसी थांती समस्त देवदेवी नदी सदृश होला बेले जगन्नाथ होचंती एकमात्र सागर प्रतीक समुद्र प्रतीक तांक कथा को तेणु कृपा सिंधु बोली तांको कहा जाए तांको दयार सागर कहा जाए तांको क्षमार सागर कहा जाए से जहाँ आमर सभापक गंगाधर मेयर सुंदर पंक्ति कहती विश्व जीवन हे तुमको करुणा सिंधु बोलवाकू मन बलुना जेणु सिंधु तब कृपा बिंदु
ये समुद्र महाप्रभुंकर कृपार मात्र बिंदुए। द्वितीय कथा महाप्रभु जहाँ को कृपा करती तांकर बिंदुए मात्र कृपार जीवपाई ता सागर सदृश प्राप्ति होता है। तेणुक स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ये पंक्ति सुंदर दर्शन टी जे विश्व जीवन हे तुमको करुणा सिंधु बुलवा को मन बलुना जेणु करुणा सिंधु कौन कह तुम कृपा तो सगर सिंधु तब कृपा बिंदु तुमर कृपार बिंदु हूँ सगर महाप्रभु कृपारू सगर केवे कूल लंघन कैना तेणु महाप्रभु नीलाद्री कंदर से आज हूँ पुणी अष्टमी अष्टमी महाप्रभु के सुंदर देखते श्रीकृष्ण तत्व अष्टमीर बहु परिपूरक देखा मिले। महाप्रभु निजे भाद्रव मास कृष्णपक्ष अष्टमी जन्म नियंत माँ राधाराणी शुक्लपक्ष अष्टमी जन्म नियंत अष्टमी कथा अंपक्ष अष्टवसु तेणु एटी जदि अष्टमी कथा को आपण मैंने देखिए तेल भगवान श्रीकृष्ण लीला एवं श्रीराम लीला महाप्रभु नृसिंह लीला एवं बामन लीला ये चारोटी जाक लीलार दृश्य महाप्रभु पाखरे श्री जगन्नाथ पाखरे विशेष भाव अन्य लीला सब देखा मिले। किंतु एतद व्यतीत महाप्रभु गोटे लीला आसे कौन ना श्रीकृष्ण लीला अधिक मात्रा रे देखा मिले। किंतु नीलाद्री महोदय अष्टमीटी एठी बामन श्रीकृष्ण परशुराम बा राम बा नृसिंह एम लीला को एथिरे आमको दर्शन मिले ना ये मिले कहार ना स्वयं जगन्नाथ निजे अजन्मा निजे निज को गढ़ीबा निजे आसी दारू कूलरे लागिबा समुद्र कूलरे लागिबा एवं निजे जने सुदक्ष कारीगर हिसाब से जाकि निज को निजे गढ़ी हबा एवं निजे जने वृद्ध वयस्क कारीगर हिसाब से जीवा अर्थ ये आमको ये दर्शन जे वयस्क मान को सम्मान दि वयस्क मान होती अनुभवी से मानु अनुभव को ग्रहण कर जहाँ को आम भावे तुम्हें बुढ़ा हो गल किपरि तुम द्वारा तुम कि जाणिन से कि जाणिन जितेबले सब जुव कारीगर मैंने से मैंने सब नीरव रही जाइए किंतु जितेबले वृद्ध बर्धकी रूप से जाकि पहुँचले बुढ़ा बढ़ई रूप से से बुढ़ा बढ़ई किए थे विश्वकर्मा रूप से जाइए जड़े बुढ़ा बढ़ई विश्वकर्मा निजे महाप्रभु तांकर दक्षिण करू विश्वकर्मा को जन्म दे कर्मर प्रतीक करितिबारू नाम विश्वकर्मा महाप्रभु तेबे इटि जो वृद्ध रूप से जाकि पहुँची थे कहीं केमी मूर्ति हम कौन हम भाणी पड़ी किंतु से वृद्ध बर्धक कही कहारी आवश्यक नहीं मुकुटिया मूर्ति गठन कर तार अर्थ से किए से ना महाप्रभु निजे जे निजे निज को गढ़ तेणु आज से अष्टमीटी एत ओतप्रोत भाव जड़ित भगवान श्रीकृष्ण जन्म आम पालन कै आम षड़ जयंती चबीश एकादशी गोटे भल कथ मन पड़गला एकादशी अनेक लोक पचारती आज्ञा आम एकादशी के पालन कर भल कथे आपण आसुची देखिए जदि ज्येष्ठ मास हरिशयन एकादशी ठारु पालन करें रुक्मिणी हरण एकादशी ठारु एकादशी के व्रत पालन करेंगे किसी आवश्यक ना प्रत्येक एकादशी ही शुभदायक हाँ चारि एकादशी की बड़ एकादशी पाले चारि एकादशी बड़ एकादशी पाले ये है अष्टमी आज नीलाद्री महोदय अष्टमी पर नवमी दशमी मझीरे दुई दिन ये दुई दिन पर महाप्रभुंकर आसीज वैशाख मास शुक्लपक्ष एकादशी किंतु ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी कौन ना रुक्मिणी हरण एकादशी किंतु ता प्राय करू शंकर भगवान लीला आसी थाए केमिति ना शीतल षष्ठी ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष षष्ठी षष्ठी पर आग भक्त को अग्राधिकार देलापर भगवान निज लीलार विस्तार करपक्षे आप गोटे सुंदर कथा देखिए जितेबले आज नीति केते सुंदर नीति सब अच्छे नीति तो आप पूर्व अवगत होती दोहरवा दरकार ना कि कथी कौन ना स्नान मंडप पर शहे आठ गरा जल स्नान करवा आम समस्ते देखीचे कौन पाई देखीचे महाप्रभु निजे कौन पाई स्नान मंडप शहे आठ गरा जल स्नान करती ना सर्वजन सम्मुखें से स्नान करु आज शहे आठ गरा जल सुबासित जल पुष्पादि गंधजुक्त सुबासित जल महाप्रभुंकर अभिषेक हम सेमती चारि पंक्ति थुआ हाब चारि थाक थुआ हाब अर्थ पैंतीस तेतीस बैश अठर ये चारोटी थाक
ତାହା ପୁଣି କେତେବେଳେ ନା ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ପରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତର ନୀତି ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସମସ୍ତେ କେହି କେହି ଜାଣି ବି ନଥାନ୍ତି ଏ ଏତେ ନୀତି ହୁଏ କାରଣ ନୀତି ବହୁଳ ଠାକୁର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଅସତ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଅନ୍ୟାୟ ଅପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ସ୍ନାନ ଆଉ ଏ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଦିରେ ଫରକ ଏତିକି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଏଠାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ହୁଏ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ ଯେମିତି ଅବକାଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ ସେମିତି ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅଭିଷେକଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ତେଣୁକରି ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନଠାରୁ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥ ତେର ଯାତ୍ରା ତେର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସିଛି ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ତେର ଅଙ୍କ ଏଗାର ଦିନକୁ ଲୟ କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ ଘର ବାର ଦିନେ ମେଳ ମହୋତ୍ସବ ସାରି ତେର ଦିନେ ଯିବେ ଯେଝା ଘର ଏଗାର ଦିନ ଗଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଚାଲିଗଲା ଏଗାର ଦିନ ଗଲା ବାର ଦିନରେ ସବୁ ବାରଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ତେର ଦିନେ ଯେଝା ଘର ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଇଏ ତେର ତିନି ଏକ ଚାରି ଯାହା ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ତିନି ଏକ ଚାରି ଅଙ୍କକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଅଷ୍ଟମୀ ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଅଭିଷେକ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜଳରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଘୃତରେ ଅଭିଷେକ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଘୃତରେ କାହିଁକି ନା ଗୋ ସମ୍ପଦମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୃତରେ ଅଭିଷେକ ଜଳର ଅଭିଷେକ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ଯଦି ଆମକୁ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ତେଣୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ କେବଳ ଅଭିଷେକ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଜଳ ଯାହା ରସର ପ୍ରତୀକ ଜଳରୁ ରସ ରସରୁ ରାସ ରସରୁ ମହାରାସରେ ଲୀନ ହେବା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାର ପରିଲକ୍ଷଣ ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରସିକ ରସାୟନ ରସବତୀ ଜୀବନ ରସମୟ ରାସ ବିହାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରସମୟ ରାସ ବିହାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଳ ରସର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟନ୍ତରମଲ କମହୁନି ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭଗତି ଜଳ ବିନୁ ରଘୁରାଇ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହର ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଠି ସମୟ କାଳ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରିପୂରକ ପ୍ରେମ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଏ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବହି ଯାଉଛି ବାରି ଭେଦି କିଆରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘେ ଜେନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ନାରୀ ଯେମିତି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜଳ ଯେମିତି କିଆରି ଭେଦିକି ଚାଲିଯାଉଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ସେହିଭଳି ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ତେଣୁକରି ଏଠି ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଅଷ୍ଟମୀ ଭଳି ତିଥି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୀଳା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଧରିନିଅନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ କିଏ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ଭିତ୍ତିକ କିଏ ସେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏଇଠି ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୁଣି ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନୀତି ତେଣୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏହା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ଏହା ତିଥି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଷ୍ଟମୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଟି ଏବଂ ଏହି ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି ବା କିଛି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କରନ୍ତି ନିହାତି ବା ଆଜି ବୁଧବାର ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଜି ଗୁଡ଼େ ହଣାକଟା କରିକି ନେଇ ଆସି ଖୁସି ହେଇଯିବା କ'ଣ ହେବ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେବେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ହେଉନି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେବେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ହେଉନି ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଆରେ କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ହାଣିଥିବ ତମେ ଏମିତି ହଣା ଖାଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଆସିବ
लक्षण ये आम मैंने चाहिए जगत को जगन्नाथमय करें। दर्शक बंधु आज नीलाद्री महोदय अष्टमी आपण मानक समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। समय तो हो जाए कथा प्रवाह कार्यक्रम को आम आज ये सांग करवा हाँ सांग करवा पूर्व निश्चित भाव गोटे विनम्र नवेदन यदम कर पितामाता सेवा करूँ दिन दुखी दरिद्र मानक सहायक हूँ एवं जीवजंतु मान प्रति दया करूँ। आउ गोटे कथा जिते बेले भी समय मिलूँ महाप्रभुक नाम टिके तुंड उच्चारण करूँ प्रतिदिन। आजिकल तो मीछ जंत्र ना लोक चलें कारण कौन ना जदि जन कह सब भल मोर के बंधु बांधव कई रेन टेनसन नाई भाई बंधु कई बापा माँ के पचारे ना टेनसन नाई तत मोबाइल मिलवन मोबाइल न मिलने चल पार अर्थ चिंता कले यही जी आप देखिए ये मोबाइल टी धरला आपड़ हाय हालो चलते हाय हालो छाड़ू जय जगन्नाथ कहतु तेरे आसतु आम जीवा पंडित सौम्य रंजन पंडा ठार् कथा प्रवाह कार्यक्रम को आम आगक आगक नवा। जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।